हाँ संजय बेटा, कैसे हो? नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा हाँ संजय बेटा, कहाँ से हो तुम? मैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से हूँ सर। अच्छा मुरादाबाद से हो, और क्लास जी 12th सर। भी तुम्हारा यूपी बोर्ड से ही था? अच्छा यस सर, यूपी बोर्ड से था। 12th 10th यूपी बोर्ड से हुआ है सर। 10th 12th दोनों यूपी बोर्ड से ही थे। अच्छा यस सर। और ये बताओ कि क्लास 12th के बाद में तुमने 1 साल ड्रॉप किया था ना? यस सर, एक उस टाइम ही एज नहीं हुई थी सर। अच्छा एज नहीं हुई थी तुम्हारी, यस फिर सर। उसके बाद मैं नीट का एग्जाम दिया। मतलब ये भी है कि अगर यस 74-75% भी आ रहे किसी को और बढ़िया से मेहनत करे तो नीट निकाल सकता है यस बच्चा। सर। यस सर। अच्छा हाँ, अपने सारे छोटे भाई बहन है ना जो अभी इस साल नीट का एग्जाम देंगे, उनको बता दो तुम कौन से कॉलेज में हो अभी एक बार। मैं एम्स मदुरई में हूँ सर। अच्छा एम्स मदुरई एम्स में हो। मदुरई तमिलनाडु। अच्छा और बेटा तुम्हारे घर वालों को कैसा लग रहा है ये बताओ, तुम डॉक्टर बन रहे हो सर तो? बहुत खुश हैं घर वाली सर। अच्छा चलो बहुत यस बढ़िया। तो अभी तो तुम कॉलेज से पहली बार ही घर आए हो ना? यस सर, पहली बार ही आए हैं घर, अच्छा अभी फर्स्ट टाइम है। चलो बढ़िया बढ़िया। और कुछ और छोटे छोटे सी बातें मैं तुमसे पूछना चाहूंगा है ना, ताकि अब जैसे तुम एम्स मदुरई तक पहुंच चुके हो तो जो अब इस साल नीट का एग्जाम देंगे बच्चे है ना, उनको भी थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। यस सर। ठीक है। अच्छा तो अब ये बताओ कि नीट का जब एग्जाम हुआ था तो उससे पहले, मतलब जैसे अभी काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नीट के एग्जाम के 1-2 दिन पहले हम बहुत ज्यादा डर गए थे, घबरा गए थे, तो ऐसा कुछ डर, ऐसी कुछ घबराहट तुम्हें भी हुई थी? सर घबराहट तो होती है, हर एग्जाम से पहले ही होती है। मगर जब पेपर अच्छा देखा तो हाँ। थोड़ा बहुत सही हुआ सर। अच्छा तो पेपर देखकर फिर थोड़ा सा ठीक लगने लगा। सर क्यूरियोसिटी तो होती है हर एग्जाम से पहले ही। अच्छा और इसके अलावा ये बताओ भाई कि डाउटनेट पे जब तुम क्लासेस ऑनलाइन करते थे तो ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा लगता था कि यार अगर मैंने ऑफलाइन ले लिया होता तो ज़्यादा बेहतर रहा होता नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। ना, ऑनलाइन से बेस्ट पढ़ाई हो गई? यस सर, ऑनलाइन ही की थी सर, डाउनलोड के माध्यम से ही। अच्छा और अच्छा फिजिक्स तो मुझसे ही पढ़े थे ना तुम? अच्छा यस सर, आपके नोट्स भी हैं सर, अभी नोट्स तक रखे हैं अभी लगे भी? हुए। यस सर, अच्छा लगे लगे हुए हुए होंगे पीछे हैं। दीवार पर। अच्छा यस सर, चार्ट्स बना रखे थे मैंने, आपने ये अगर तुमने जरा भी चार्ट्स वगैरह नोट। बना रखे थे पूरे फिजिक्स के? अरे यस सर, इसमें दो चैप्टर बहुत आ गए बहुत थे सर। बढ़िया। और हाँ बहुत ये सही। अच्छा ये केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल चिपका हुआ है। अच्छा सर, ये कुछ चैप्टर्स थे सर, कुछ चैप्टर के शॉर्ट नोट्स अभी भी लगे हुए चैप्टर्स। तुम्हारी दीवार पे। यस सर। अच्छा और एक दो और छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि हिंदी मीडियम से पढ़े या इंग्लिश मीडियम से पढ़े, तो तुम्हें क्या लगता है? अच्छा सर जो बेस्ट है, क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम से सिलेक्शन होते हैं सर, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होते। और ये बताओ कि कॉलेज में जाकर तुम्हें कभी ऐसा लगा कि अरे यार मेरे को तो इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आना था? नहीं सर, अच्छा तो अभी कॉलेज में जाके फिर? हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है सर, लैंग्वेज की थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत हाँ वो लेकिन हो फिर वो जाती है धीरे सर। धीरे सही हो जाता है सब कुछ। यस सर। चलो बेटा बहुत बढ़िया। और ये बताओ कि जब तुम जैसे तुम पूरे साल भर पढ़ते रहते थे तो बार बार अगर तुम ऐसे डिमोटिवेट हो जाते थे तो क्या करते थे फिर उसके लिए? बीच सर कुछ नहीं, में कभी डिमोटिवेट आप होते थे या ऐसा एकदम बढ़िया तरीके से रोज ये बढ़िया ही लगता था पढ़ने में? नहीं सर, कभी कभी तो लगता है बीच में, कभी लगता है बीच में कि कभी। छोड़ दे हम सब यस कुछ, सर, तो फिर क्या करते कभी थे उस कभी समय? लगता था सर, एक दिन का रेस्ट लिया, फिर से नई नए दिन से नई शुरुआत। अच्छा चलो बेटा बहुत बहुत बढ़िया है ना, तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे है ना इससे मोटिवेटेड जरूर फील करेंगे यस ना, सर। और है ना हम चाहेंगे जल्दी ही तुम एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बने, यस और सर, फिर थैंक्स सर। हाँ और चिंता ना करो हम आपसे मिलने भी आएंगे जल्दी। ठीक है? हाँ यस सर, थैंक्स सर, जरूर आना सर। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। पार्थ सर से बात हुई थी हमारी सर, किससे बात हुई थी बेटा? पार्थ सर से बात हुई थी एक हाँ हफ्ता हाँ पीछे, अच्छा अभी एक हफ्ते पिछले पहले वीक। पार सर से भी बात हुई थी। यस सर। चलो बेटा ना, हाँ तो हम लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं अभी कुछ। ठीक है तो जल्दी मिलने भी आएंगे तुमसे। थैंक यू सर।